हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नारी की पहचान में। तो दोस्तों, कैसे मैंने दिवाली मनाई है वो देखिए और मेरा आज का ब्लॉग देखिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ। सफाई कर ली है मैंने, सजावट कर रही हूँ। देखिए कैसे। और ये जो रंगीन पेपर होते हैं ना, वो लेके आई हूँ मैं, साइन वाले, उनको चिपका रही हूँ और एक ऊपर भी चिपका दूंगी। ये देखिए। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के साइड साइड में, पूरी जगह पे ग्लू नहीं लगाऊंगी क्योंकि जब इसे हटाते हैं ना तो उखड़ सा जाता है, अच्छा नहीं लगता। इसे थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड में ही ग्लू लगाऊंगी मैं। इसके बाद से मैं तोरण बना रही हूँ मंदिर में लगाने के लिए। मंदिर में तो लगा लिया है, अब मैं बाहर इसको लेके जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को दूंगी कि बाहर लगा दीजिए। और ये देखिए, ये तोरण कैसे लग रहे हैं। इसके बाद से ये मैंने बनाया था दोस्तों, मिट्टी का है ये, और इसमें मैंने गोल्ड पेंट कर दिया है। और देखिए कैसे, पहले मैंने पानी डाल लिया है, उसके बाद इसमें मैं फूल डाल रही हूँ, तोड़ तोड़ के फूल को। इसके बाद से मेरे ही आंगन में ये फूल हैं, इन फूलों को तोड़ के और लेके जाऊंगी मैं। देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके डाल के ऐसे सजा दूंगी मैं कहीं कहीं पे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो रानी कलर के फ्लावर है ना, ये काफी अच्छे लगते हैं। और ये मेरी बेटी का छोटा सा घर है, वो खुद ही सजा रही है अपने घर को। और ये देखिए, मैं इसमें से ना जो कॉटन की बाती होती है वो निकालूंगी। ये प्लास्टिक लेके इसको गोल करके इसमें छोटा सा छेद कर दूंगी मैं, इसमें से ये बत्ती निकालूंगी। देखिए, इसके बाद मैं इसमें तेल डाल दूंगी। जो बत्ती है ना, उसको अच्छे से भी गोलूंगी तेल में। इसके बाद इसमें डाल के और मैं इसे जला दूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, अगली बार अपने घर पे भी ये ट्राई करें। और ये मैं ऐसे कलर बचे हुए थे होली वाले, तो मैं सोची कि इसे आंगन में एक बना देती हूँ। वैसे तो मैंने पेंट से बनाया हुआ था रंगोली, पर आंगन में भी मैंने एक बना दिया दोस्तों। इसीलिए तो दिवाली इतनी अच्छी लगती है, इतना सारा डेकोरेशन करो उसके बाद घर देखो तो इतना अच्छा लगता है। मुझे तो दिवाली बहुत पसंद है। देखिए कैसा लग रहा है। इसके बाद से मैंने ये थाली में भी ऐसे आम के पत्ते डाल के और चारों तरफ से फूल डाल दिया मैंने। देखिए, और बस बीच में एक दिया रख दूंगी मैं। और ये मंदिर की भी सजावट कर ली है मैंने। देखिए, यहाँ पे भी तोरण लगाया हुआ है।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं यहाँ पे अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ दोस्तों। हमारे में काफ़ी शुभ होता है कोई त्यौहार में लगाना होता है, और मुझे आलता बहुत पसंद है लगाना। और ये देखिए इतना सजावट करने के बाद बारिश आ गई। झारखंड में ना बारिश का कुछ पता नहीं होता कि कभी आ जाएगी। देखिए कैसे मैंने अपने रंगोली को छुपाया हुआ है छाता लगा के। ये देखिए हवाएं भी चल रही हैं इतनी तेज तेज। पर थोड़ी देर में बारिश रुक गई थी और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ दिवाली के लिए। अब हम पूजा करेंगे। ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। पापा आपसे ठीक है, मेरे पतिदेव भी बता रहे हैं ऐसे से करो। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली दोस्तों। देखिए ऊपर में धन्वंतरी भगवान की फोटो है, अंदर में लक्ष्मी माँ की मूर्ति है। मुझे ऊपर देख के हाय बोल। और ये मेरी बेटी बैठी हुई है। और साइड में मेरे भांजा जी हैं जो दीवा जला रहे हैं, साथ में हेल्प कर रहे हैं बैठ के। इसमें का तेल खत्म हो गया था तो मैंने कैंडल रख दिया। और ये देखिए मैंने अपने ससुर जी को प्रसाद दिया खाने को पूजा के बाद। और ये बाहर में बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं देखिए। मैंने भी पटाखे फोड़ लिए हैं। वैसे तो मुझे इतने नहीं पसंद है पर फुलझड़ी में बजा लेती हूँ। हैप्पी दिवाली। और ये देखिए बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। बजने वाले पटाखे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फुलझड़ी चरखरी ये सब मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। पर जो बजने वाले होते हैं ना उससे बस इरिटेशन सी होती है बहुत ज़्यादा।
और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।